हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को खंडकाव्य श्रवण कुमार में अगला प्रश्न दूसरा जो श्रवण कुमार के चरित्र पर आधारित है उसका डिस्कशन करूंगी। प्रश्न कैसे पूछा गया है बोर्ड में अभी तक और कितने समय प्रश्न आया हुआ है उस पर भी आइए चर्चा करते हैं। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्रण कीजिए, 2016 में प्रश्न बोर्ड में पूछा गया था। अगला प्रश्न, श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक श्रवण कुमार का चरित्रण कीजिए। ये आपका 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 कई सारे सनों में पूछा गया है। तो श्रवण कुमार के चरित्रण किस तरीके से हम लिखेंगे आइए देखते हैं। मैंने हेडिंग डाली हुई श्रवण कुमार का चरित्रण, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य का नायक ऋषि पुत्र श्रवण कुमार है। तो ये आपको राइटर का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे और इस लाइन को आप पेपर में अंडरलाइन भी दे सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे, कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलता पूर्वक चित्रित किया है, उसकी चरित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप उसके चरित्र में जो भी विशेषताएं हैं वो हेडिंग डाल के हम लिखना प्रारंभ करेंगे। मातृ पितृ भक्त, वह माता पिता का भक्त था। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, श्रवण कुमार एक आदर्श मातृ पितृ भक्त पुत्र है। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता है, वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। वह उन्हें कांवड़ में बिठाकर तीर्थ स्थानों की यात्राएं कराता है। कांवड़ में वो अपने माता पिता को बिठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा कराता है। अगली हेडिंग है सत्यवादी, श्रवण कुमार सत्यवादी है, उसके पिता वैश्य तथा माता शूद्र है। अगली हेडिंग है क्षमाशील, श्रवण कुमार स्वभाव से ही बड़ा सरल है, उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या दोष का भाव नहीं है। दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। अगली हेडेंगे भाग्यवादी, श्रवण कुमार भाग पर विश्वास करता है, उसे ऐसा लगता है मनुष्य को भाग के अनुसार ही फल मिलता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। अगली हेडेंगे आत्मसंतोषी, श्रवण कुमार आत्मसंतोषी है, वह संतोषी जीव है, उसके मन में किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव ही जागृत नहीं होता है। तो ये श्रवण कुमार के चरित्र की विशेषताएं हैं। आगे मैंने इसी में एक कोटेशन डाला हुआ है, वन्य पदार्थों से ही होता रहता मम जीवन निर्वाह, ऋषि हूँ नहीं किसी को पीड़ा पहुंचाने की ओर में चाह। एक अगर आप कोटेशन डालेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके स्कोरिंग बढ़ने में। ये अगला प्रश्न इसी में मैंने ऐड किया हुआ है। अभी श्रवण कुमार का चरित्रण हमने देखा हुआ है, अब राजा दशरथ का हम चरित्रण देखेंगे। अब ये पेपर आपका जो यूपी बोर्ड का 2024 का आपका पेपर था, इसमें ये प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, आइए देखते हैं। देखिए, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न था श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर की कथा वस्तु लिखिए। तो सर्व वाला प्रश्न मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ अयोध्या सर का, आज राजा दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं पूछी थी तो ये प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। अब अगले साल मेरा अनुमान है कि आप लोगों को श्रवण कुमार का चरित्रण और जो खंडकाव्य है उसमें 9 सर्गों में से कोई एक सर लिखने के लिए आ सकता है, आइए देखते हैं। श्रवण कुमार के आधार पर महाराज दशरथ का चरित्रण कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5 इतने सारे पूछा गया है। अगला, अथवा में श्रवण कुमार के पंचम और सप्तम सर्गों में दशरथ के अंतर्द्वंद मनोभावों पर प्रकाश डालिए। पंचम और सप्तम सर्ग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसमें राजा दशरथ के मन में जब वो श्रवण कुमार पर अपना शब्द वेदी बाण चढ़ा देते हैं तो उनके मन में कौन कौन से भाव उठते हैं उसको हम अंतर्द्वंद के माध्यम से जानते हैं, उस पर आपको प्रकाश डालना है। ये आपका 11, 9 और 8 में पूछा गया था ये वाला प्रश्न। अब मैंने हेडिंग डाली हुई दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं, किसने लिखा हुआ वो राइटर का नाम हम जरूर डालेंगे। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य में दशरथ का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे, दशरथ का चरित्र महत्वपूर्ण है, वह रघुवंशी राजा अज के पुत्र है। तो दशरथ के पिताजी का नाम क्या था, अज। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार है, योग शासक, राजा दशरथ एक योग शासक है, वह अपने प्रजा की देखभाल पुत्रवत रूप में करते हैं, मतलब पुत्र के समान करते हैं, उनके राज में प्रजा अत्यंत सुखी है। दूसरी,
उच्च कुल में उत्पन्न, राजा दशरथ का जन्म उच्च कुल में हुआ था। अगली हेडिंग, आखेट प्रेमी, उनको शिकार खेलना पसंद था। राजा दशरथ आखेट प्रेमी है, इसलिए सावन के महीने में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है तब उन्होंने शिकार करने का निश्चय किया। अगली हेडिंग, उदार, उदार मतलब दयालु, वे अत्यंत उदार हैं। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप को वह चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, किसी और को वह इस बारे में बताते नहीं हैं, पर मन ही मन यह पीड़ा उन्हें खटकती रहती है। अगली हेडिंग, विनम्र और दयालु, वह अत्यंत विनम्र व दयालु हैं। अहंकार उनमें लेश मात्र भी नहीं है, लेश मात्र मतलब बिल्कुल भी, वे किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। श्रवण कुमार को जब उनका बाण लगता है तो वे अत्यंत चिंतित हो उठते हैं, वह आत्मग्लानी से भर उठते हैं। आत्मग्लानी मतलब मनी मनों को दुख होने लगता है, और उनके माता पिता के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह राजा दशरथ का चरित्र महान गुणों से परिपूर्ण है या भरा हुआ है। तो आज हम लोगों ने दो प्रश्नों पर चर्चा की है, राजा दशरथ का चरित्रण और श्रवण कुमार का चरित्र। इसके पहले जो आपके खंडकाव्य में सर्ग थे मैं उन पर चर्चा कर चुकी हूँ। ये श्रवण कुमार खंडकाव्य से तीन प्रश्न मैंने पढ़ाए हुए हैं, तीन प्रश्नों में से आपको दो प्रश्न करना एक ही होगा, बट दो प्रश्न आपके 100% फंसेंगे। तो मुझे आशा है जो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए सिंपल भाषा में बनाए हुए हैं आप लोग उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जो 2025 में बच्चे पेपर देने वाले हैं वो। और इसके पहले मैंने आप लोगों को कहानियां फिनिश कराई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके वहां आपको बहुत कुछ मैटर मिलेगा। बायोलॉजी में मैंने दो यूनिट में पढ़ा रही हूं, उसमें भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको आपके पेपर के हिसाब से जरूर मिलेंगे।